मैंने एक लाइन में कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी के जो पुरातन रिश्ते हैं वो विश्वास की बुनियाद पर बना हुआ है, कोई इस रिश्ते को हिला नहीं सकता। पार्टी का आंतरिक कार्यक्रम चलते रहता है, संगठनात्मक कार्यक्रम चलते रहता है, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग व्याकुल हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते कुछ लोगों के माध्यम से कुछ नैरेटिव सेट करना चाहती है, वो बिहार में उनको निराशा हाथ लगी, कुछ प्राप्त होना नहीं है। कल ललन जी भी ने कहा कि जो बीजेपी से एजेंडा सेट हो रहा है इस्तीफे का, वो लाइए तब मैं इस्तीफा आप लोगों से पूछ के दे दूंगा, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर क्या जिस बीजेपी पूरी तरह से बीजेपी और सर्टेन प्लेटफॉर्म जो किसी के लिए भी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, वो लोग जो तमाशा करवा रहे हैं तो उनको निराशा नहीं हाथ लगेगी, कुछ मिलना है। हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब कितना पार्टियां देते रहेगी, हंसता है लोग कि क्या लोग बोलते रहता है। साख तो गिरती है उन प्लेटफार्मों की, उन लोगों की जो लोग प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर करके गलत नैरेटिव पेश करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके संकल्प और पर्ण और नीतीश जी का नेतृत्व बिहार के हित में काम कर रहा है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, आरक्षण का दायरा बढ़ गया, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में काम हो रहा है, किसान के लिए कृषि रोड मैप बन करके काम किया जा रहा है। तो परेशानी भाजपा को होगी नहीं, स्वाभाविक है ना परेशानी होना। बिहार में क्या मिलना है भाजपा को, भाजपा है कहाँ बिहार में? टूट की बात सामने आ रही है, आरजेडी जेडीयू के सारे लोग साथ हैं आपके? पूरी तरह से गठबंधन इंटैक्ट ही नहीं है, बल्कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है।